थालापति विजय और थाला अजीत कुमार कॉलीवुड का दो बड़े बड़े सुपरस्टार है और दोनों का स्टारडम पावर भी काफी हाई है। दोस्तों विजय और अजीत के बीच में कई बार बॉक्स ऑफिस पे डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्टली हुआ है क्लैश, और इसी क्लैश में कौन क्या है बाजीमात और कौन सी सुपरस्टार रह गई है पीछे, ये जानने के लिए शुरू तक के वीडियो जरूर देखिए, एक लाइक भी कीजिए। तो चलिए इंट्रो के बाद मिलते हैं। पुकेरी वर्सेस अलवर इन 2007। पहले बात करूं थलापति विजय का फिल्म पुकेरी को लेकर। कैसे पुलिस ऑफिसर अनवर की दुनिया को साफ करने के लिए माफिया के ग्रुप में ज्वाइन करते हुए इसमें दिखी है, और ये फिल्म 200 डेज तक थिएटर पर किया था रन और ये रहा ब्लॉकबस्टर। दूसरी तरफ थला अजीत कुमार का फिल्म आई अलवर पर ये रहा फ्लॉप, यानी कि क्लैश नंबर 1 पर थलापति विजय विनर रहा। नंबर 2 कोयम्बटूर मप्पिलाई वर्सेस वनमाथी इन 1996। पहले बात करूँ विजय का फिल्म कोयम्बटूर मप्पिलाई को लेकर। यह रहा रोमांटिक कॉमेडी फिल्म पर यह बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप निकला। दूसरी तरफ अजीत का फिल्म आई वनमाथी जो एक रोमांटिक फिल्म था और इसमें कृष्णा और वनमाथी दोनों के बीच में प्यार को दिखाई है, और जो फिल्म 175 डेज तक थिएटर पर किया था रन और ये रहा सुपरहिट, यानी कि क्लैश नंबर 2 पर थला अजीत कुमार विनर रहा। नंबर 3 थिरुमालाई वर्सेस अंजनिया इन 2003। बात करूँ थिरुमालाई को लेकर, ये रहा एक्शन रोमांटिक फिल्म जहाँ पर थलापति विजय और जयतिका को लीड रोल में नजर आई है। इसमें एक मैकेनिक थिरुमालाई और लोकल गैंग्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को दिखाई है और ये रहा ब्लॉकबस्टर। दूसरी तरफ अंजनिया एक एक्शन फिल्म था जहाँ पर थला अजीत के साथ मीरा जैस्मीन लीड रोल में नजर आई है, पर यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रहा फ्लॉप, यानी कि क्लैश नंबर 3 पर थलापति विजय विनर साबित थे। नंबर 4 फ्रेंड्स वर्सेस धीना इन 2001। पहले बात करूँ फ्रेंड्स को लेकर, यह रहा कॉमेडी ड्रामा फिल्म जहाँ पर थलापति विजय के साथ मारा सूर्या लीड रोल में नजर आई है और दोनों को एक साथ देखकर फैंस ने काफी खुश हुआ था, और जो फिल्म 175 डेज तक थिएटर पर किया है रन और जो रहा सुपरहिट। दूसरी तरफ थला अजीत का फिल्म आई धीना जो एक एक्शन फिल्म था जहाँ पर लोकल गैंगस्टर और उनका एडेप्टेड भाई के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को दिखाई है और ये रहा ब्लॉकबस्टर, यानी कि क्लैश नंबर 4 पर थला अजीत कुमार विनर रहा। नंबर 5 पुवियुन्ना कागा और कल्लूरी वसल इन 1996। पहले बात करूँ थलापति विजय की फिल्म पुवियुन्ना कागा को लेकर। ये रहा रोमांटिक कॉमेडी फिल्म और ये 250 डेज तक थिएटर पर रन किया था, और काफी इंटरेस्टिंग बात यह है कि फिल्म थलापति विजय के कैरियर में फर्स्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म है। दूसरी तरफ थला अजीत का फिल्म आई कल्लूरी वसाल जो एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म था पर ये रहा फ्लॉप, यानी कि क्लैश नंबर 5 पर थलापति विजय विनर रहा। नंबर 6 जिल्ला वर्सेस वीराम इन 2014। पहले बात करूँ जिल्ला को लेकर, ये रहा गैंगस्टर एक्शन फिल्म जहाँ पर कॉमेडी डायरेक्टर मोहनलाल थलापति विजय काजल अग्रवाल लीड रोल में नजर आई है, और इसमें शक्ति अपने बाप का मर्डर का विटनेस है और वो कैसे इसका रिवेंज लेते हैं वह इसमें दिखी है, जहाँ पर बजट था 50 करोड़, ये फिल्म 85 करोड़ का कलेक्शन दिया है और ये फिल्म 100 डेज तक थिएटर पर किया था रन और ये रहा सुपरहिट। दूसरी तरफ थला अजीत का फिल्म आई वीरम जो एक एक्शन फिल्म था जहाँ पर एक ऑनेस्ट आदमी विनय गाम कैसे वायलेंस तरीके से एक्शन लेते हैं वह इसमें दिखी है, जहाँ पर इसका बजट था 40 करोड़, और ये फिल्म 120 करोड़ का कलेक्शन देकर एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई, यानी कि क्लैश नंबर 6 पर विनर रहा थला अजीत कुमार। नंबर 7 कालामेलम काथिरुप्पन वर्सेस नेसाम इन 1997। पहले बात करूँ थलापति विजय का फिल्म को लेकर, के जो एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म था एक हिट फिल्म साबित हुई। दूसरी तरफ थला अजीत का फिल्म आई नेसम पर ये रहा फ्लॉप, और ऐसे करके क्लैश नंबर 7 पर थलापति विजय विनर साबित हुई। नंबर 8 भगवती वर्सेस विलेन इन 2002। थलापति विजय का फिल्म भगवती को लेकर, इसमें एक मर्डर से जुड़ा कर कहानी को दिखाई है और जो रहा हिट। दूसरी तरफ थला अजीत का फिल्म आई विलेन जो एक हाइस्ट मसाला फिल्म था जहाँ पर शिवा एक बस कंडक्टर कैसे गरीब लोगों का मदद करते हुए इसमें दिखी है और ये फिल्म रहा ब्लॉकबस्टर, यानी कि क्लैश नंबर 8 पर थला अजीत कुमार विनर रहा। नंबर 9 कुशी वर्सेस
उन्नाई कोदो इन्नाई थरुवन इन 2000। पहले बात करूँ कुशी को लेकर, जहाँ पर विजय और जयतिका दोनों की कॉलेज वाले रोमांस फैंस को काफी पसंद आया था, और ये 2000 का रहा वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म और ये रहा ब्लॉकबस्टर। दूसरी तरफ थलाजीत का फिल्म आई उन्नाई कोदो इन्नाई थरुवन, जो 2000 का वॉर ड्रामा फिल्म था और जो रहा पर ये रहा फ्लॉप, यानी कि क्लैश नंबर 9 पार्ट विजय विनर रहा। नंबर 10 यूथ वर्सेस राजा इन 2002। पहले बात करूँ थलापति विजय का फिल्म यूथ को लेकर, ये रहा रोमांटिक ड्रामा फिल्म और इसमें शिवा और संदीप दोनों के बीच में प्यार कहानी को दिखी है और ये रहा हिट। दूसरी तरफ थलाजीत का फिल्म आई राजा, जो एक रोमांटिक फिल्म था पर ये रहा फ्लॉप, यानी कि क्लैश नंबर 10 पर विजय विनर रहा। नंबर 11 आदि वर्सेस पनामा सिवन इन 2006। पहले बात करूँ विजय का फिल्म आदि को लेकर, ये रहा एक्शन थ्रिलर फिल्म पर ये रहा फ्लॉप। दूसरी तरफ थलाजीत का फिल्म आई पनामा सिवन और ये रहा बॉक्स ऑफिस पर एवरेज, यानी कि क्लैश नंबर 11 पे थलाजीत कुमार विनर रहा। नंबर 12 कथालुक्कु मारियाधाई वर्सेज रेट्टाई जादाई वायसु इन 1997। पहले बात करूँ थलापति विजय का फिल्म कथालुक्कु मारियाधाई को लेकर, ये एक म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म रहा और इसमें जीवा और मिनी के बीच में प्यार से जुड़ाकर कहानी को दिखी है और ये रहा ब्लॉकबस्टर। दूसरी तरफ थलाजीत का फिल्म आई रेट्टाई जादाई वायसु, जो एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म था जो रहा एवरेज, यानी कि क्लैश नंबर 12 पर थलापति विजय विनर रहा। नंबर 13 वरिसु वर्सेस थुनिवु इन 2023। हाँ दोस्तों, 2023 का पोंगल के मौके पर थलापति विजय और अजीत कुमार के बीच में होने वाले है बिगेस्ट क्लैश। पहले बात करूँ वरिसु को लेकर, और इसमें थलापति विजय के साथ रश्मिका मंदाना लीड रूम में नजर आएंगे, और इसमें विजय का एक तरफ होगा सीरियस एफ्टर, दूसरी तरफ होगा एक इनोसेंट लुक, और ये फैमिली ऑडियंस के लिए एक बड़ा सा ट्रीट होगा। और ये फिल्म तमिल के साथ ही साथ तेलुगु भाषा में रिलीज होगा 12 जनवरी। दूसरी तरफ बात करूँ थलाजीत कुमार का फिल्म थुनिवु को लेकर, ये अपकमिंग हिस्ट एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इसमें थलाजीत के साथ मंजू वारिया लीड रोल में नजर आएंगे, और इसका स्टोरी रियल लाइफ बैंक रॉबरी पर बेस्ड होगा, और जो पैन इंडिया लेवल पे होगा रिलीज। तो उसे आपको क्या लगता है 2023 पर वरिसु वर्सेस थुनिवु फिल्म के बीच में कौन सी फिल्म करने वाले है बाजीमात, कमेंट पे बताइए। दोस्तों ये रहा थलाजीत वर्सेस थलापति विजय के बीच में सारे फिल्मों का क्लैश के बारे में। ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिए, और इसके बॉलीवुड साउथ इंडियन अपडेट पाने के लिए मलेशिया जैन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।